हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे जो आपका सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में तीन यूनिट्स दी गई हैं उनमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, सब कुछ हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो बुक का नाम है वो है एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका, और मीडिया इन एजुकेशन आपकी बुक का नेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ऑलरेडी मैं और सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जो पॉलिटिकल साइंस है सिक्स सेमेस्टर का उसको काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। लास्ट के एक या दो चैप्टर बाकी हैं, उनकी भी वीडियो जल्दी आएगी। तो चलिए देखते हैं। जो आपका यूनिट फर्स्ट है संचार और मीडिया शिक्षा, ये आपके यूनिट का नाम है। इसमें आपको टोटल जो चैप्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो टोटल आपको चार टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो चार टॉपिक कुछ इस प्रकार है। देखें कि पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है शिक्षा में संचार का रूप। जो शिक्षा है उसमें संचार का क्या रूप है, मौखिक मौखिक गैर मौखिक लिखित औपचारिक अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, तो ये टोटल जो पांच चीज़ें हैं ये आपको कवर करनी है। मौखिक मतलब वर्बल, आपको बोल के बात करने वाला। ठीक है, गैर मौखिक मतलब आप हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं। लिखित रिटन कम्युनिकेशन, औपचारिक जो कि आपको स्कूल स्कूलिक शिक्षा होती है, आपको कह सकते हैं स्कूल या फिर किसी संस्थान में दी जाती है। अनौपचारिक जो कि किसी संस्थान में नहीं दी जाती, ठीक है, बाहर कहीं पर भी शुरू कर दी जाती है, और गैर औपचारिक दोनों का मिक्सचर होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शिक्षा। प्रदर्शन कला प्रदर्शन करके और दृश्य फोटोज बना के या फिर इमेजेस बना के क्या करना है, माध्यम से शिक्षा का संचार करना है। तीसरे में देखना है शिक्षा में जनसंचार माध्यम, पुस्तकें पत्रिकाएँ समाचार पत्रों रेडियो टेलीविजन फिल्में इंटरनेट उपयोगी भूमिका। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे टेलीविज़न के बारे में हम बात करें तो टेलीविज़न कब बना, इसके क्या क्या उपाय हैं, उपयोग हैं, ठीक है, ये आपकी कितनी मदद करता है संचार के तौर पर, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है। फिर आता चौथा, शैक्षिक गतिविधि के लिए डिजिटल मीडिया प्रकार और उपयोग। डिजिटल मीडिया का क्या प्रकार, कितने प्रकार का डिजिटल मीडिया है और उसके कितने उपयोग हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। अब आता है आपका यूनिट टू। यूनिट टू में महत्वपूर्ण मीडिया जागरूकता के ऊपर है। तो पहला जो आपका टॉपिक आता है या फिर चैप्टर आप कह सकते हैं, इसमें है मीडिया संस्कृति को समझना, मीडिया की जो संस्कृति है उसको समझना, उसके विचारों को उसके अनुभव को स्वाद और बातचीत के बीच के बातचीत को आकार देना। फिर आता है एक पाठ और शिक्षा के स्रोत के रूप में मीडिया। तो आपको क्या पढ़ना है, मीडिया जो है वो एक कह सकते हैं पाठ या फिर शिक्षा के रूप में मीडिया का क्या महत्व है। कहानियाँ और वर्णन, विज्ञापन ऐतिहासिक धारावाहिक सामाजिक फिल्में, विज्ञापन ऐतिहासिक धारावाहिक और सामाजिक फिल्मों के बारे में आपको जो नॉलेज है वो पता करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब है। फिर आता है सोशल मीडिया में अध्ययन धारणा और स्मृति, सोशल मीडिया का क्या किस प्रकार हम अध्ययन कर सकते हैं और उसकी स्मृति उसको याद करना। समाचार और दृश्य स्वामित्व परियोजना, पेड न्यूज़ विज्ञापन कवर दिए गए हैं। ठीक है, तो पेड न्यूज़ जो न्यूज़ होती है उनको पे किया जाता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। यूनिट थ्री में आपको जो पढ़ना है वो है मीडिया से जुड़ना, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित या इसी तरह की गतिविधियों में किस तरह से जुड़ें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, आप इनको सिर्फ पढ़िए नहीं, आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ये आपकी बुक में लिखा है। फिर बात करें जो पहला टॉपिक आता है समाचार और नकली समाचारों की पुष्टि के लिए इंटरनेट संसाधनों का उपयोग करें। ठीक है, फेक न्यूज़ और ओरिजिनल न्यूज़ के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, इंटरनेट का प्रयोग करना है। मास और जो ये MASS वाला है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन जो आपने बताया, तो मास और सोशल मीडिया में महिलाओं बच्चों युवाओं या किसी अन्य सामाजिक समूह के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना है। ठीक है, तो मास मीडिया सोशल मीडिया में महिलाओं का क्या आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व, बच्चों या युवाओं या किसी अन्य समूह का क्या प्रतिनिधित्व रहा है, इसके ऊपर पढ़ना है। सहकर्मी समूह के बीच मीडिया के उपयोग की सीमा और प्रकृति का सर्वेक्षण कीजिए। ठीक है, सहकर्मी मतलब आपके क्लासमेट्स कह सकते हैं या फिर आपके बैचमेट्स कह सकते हैं, तो समूह के जो सहकर्मी समूह है उसके बीच मीडिया का उपयोग की सीमाओं को आपको बताना है कि आप एक ग्रुप के बीच में किस प्रकार मीडियाओं को लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, उसके लिमिट्स क्या हैं। मीडिया संस्कृति के
किसी भी पहलू पर निबंध या वीडियो निबंध की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मीडिया संस्कृति का कोई भी पहलू हो उस पर निबंध के बारे में या फिर वीडियो के निबंध के बारे में आपको क्या करना है, समीक्षा करनी है, उसके बारे में बताना है। एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक सामाजिक समूह के प्रतिनिधित्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एक टेलीविजन है उस पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, ठीक है, तो कार्यक्रम में सामाजिक समूह, किसी जो समाज होता है कल्चर का एक समूह के प्रतिनिधित्व का क्या करना है, आपको आलोचनात्मक क्रिटिकली काफ़ी अच्छे से उसको वर्णन करना है। पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स पर रिपोर्ट और छात्रों द्वारा किए गए स्रोतों की जांच। पावर पॉइंट के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनके बारे में। संतुलित रिपोर्टिंग के लिए टीवी समाचार कार्यक्रम की जांच करना। और लास्ट आपका आता है मीडिया के उपयोग पर एक क्या लिखना है, एक लर्निंग ब्लॉग बनाइए। तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉग बनाना भी सीखना पड़ेगा आपको इस बुक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस बता दिया, आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए। आप चाहें तो इन टॉपिक्स को इंटरनेट पर सर्च करके भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है इन टॉपिक्स को ढूंढना। अदरवाइज आपको हमारी वीडियोज़ का वेट कर सकते हैं, वीडियोज़ आना कल से चालू हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं, वीडियो शूट करते ही आपको कल सुबह तक वीडियो मिल जाएगी।